साल का कार्यकाल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, सीधे आपको ले लिया। सत्ता के सागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे, दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। पुलिस बल के नए रिक्रूट आरक्षी गणों के प्रशिक्षण के शुभारंभ का जो कार्यक्रम है, ये हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो सब इंस्पेक्टर, पुलिस, आरक्षी और फॉलोअर्स की सभी व्यक्तियों को देखें तो यह संख्या 1,60,000 से ऊपर पहुंचती है। इतनी व्यक्तियों के बावजूद प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक वातावरण पैदा करने में हमारे पुलिस बल के अधिकारियों ने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है, लेकिन इसको और भी अच्छा किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। और पुलिस बल की उस कमी को दूर करने के रिश्ते आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मैं स्वयं यहां पर आकर के इन सभी 29 केंद्रों में जो हमारे नए रिक्रूट आरक्षीगण प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इन सबको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, इनको बधाई देने के लिए स्वयं मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं जानता हूं कि ये भर्ती बहुत पहले होकर के इन्हें अपनी सेवा में आना चाहिए था, लेकिन न्यायालय में मामले लंबित होने,